हेलो एवरीवन। देखिए, एमबीए एडमिशन्स रिलेटेड बहुत सारे डाउट आपके इंस्टा एंड यूट्यूब कमेंट पे आए हुए थे, तो जितने भी आपके डाउट हैं सारे डाउट इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका डाउट ये है कि आपको टॉप गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी बताई जाए एंड प्राइवेट कॉलेजेस बताए जाएँ जिसमें प्लेसमेंट अच्छी हो। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें कि जिसमें प्लेसमेंट अच्छी है एंड उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं, तो पहला है BHU एग्री बिजनेस। ठीक है, इसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 95 के अराउंड आपके परसेंटाइल होने चाहिए। नेक्स्ट है DAV इंदौर। ठीक है, अगर 85 परसेंटाइल के आसपास भी है अगर आपका, तो आप इसमें काउंसलिंग कराइए। नेक्स्ट है हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेम अगर 85 प्लस है, ठीक है, तो आप इसमें काउंसलिंग कराइए। नेक्स्ट है BBAU। ठीक है, अगर 85 प्लस है तो काउंसलिंग कराइए। नेक्स्ट है झारखंड यूनिवर्सिटी, 85 प्लस है तो आप काउंसलिंग कराइए। हमने इसमें वही यूनिवर्सिटी मेंशन की है जिनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, सबकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, इसमें आपको सबकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है एंड क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, पैकेज कितना है, ये सब कुछ मेंशन है। झारखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो जो है आज अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो सकती है जिसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड में भी अच्छा हो, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने मेंशन नहीं किया था। तो आप अपने एंड से भी वेरीफाई कर लीजिए, और किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, कोशिश रहेगी कि उस पर एक वीडियो आ जाए। ऑलमोस्ट आपने जितने कमेंट में लिखे हुए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी वीडियो आ गई हैं, जो रह गई हैं वो भी आ जाएगी। अब अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद, ठीक है, GL बजाज नोएडा में है ये। ठीक है, गलगुटिया, ठीक है, लॉर्ड बिजनेस स्कूल, ये सब नोएडा में है। और जितने भी दिल्ली NCR के कॉलेजेस हैं, ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाउट है कि आपको कम फीस में अच्छी प्लेसमेंट वाली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आपको बताए जाए। तो देखिए, अगर आपको कम फीस में अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो फिर अच्छे परसेंटाइल भी होने चाहिए। तो देखिए, जिनके भी 80% से कम है और प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है, तो फिर आपके पास ये प्राइवेट कॉलेज का ही ऑप्शन है। ठीक है, इससे कम रहेगा तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इसमें चांसेस हैं कि अगर 80 से कम हो तब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, कम फीस में आप MBA कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए और 80% से कम है आपका, 80% से कम है आपका, ठीक है, देन आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ आप स्विच करिए। नेक्स्ट डाउट क्या आ रहा है कि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ये मेंशन है कि हमारा 82% है और आप बता दीजिए कि DAV मिल पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए हमें मालूम चलना चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, किस ट्रेड में आपको एडमिशन चाहिए, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, किस में आपको एडमिशन चाहिए, और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट जो है अप्लाई किए। ठीक है, तो देखिए, कैटेगरी आप बता देंगे, किस ट्रेड में आप एडमिशन चाहते हैं आप ये बता देंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, ठीक है, ये मालूम नहीं चल पाएगा। तो ये गेस करना मुश्किल है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या कट ऑफ होगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जिनका 90 प्लस है, 95 प्लस है, ठीक है, वो ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, लेकिन अगर आपका 88% है और अगर आपको DAV में फाइनेंस चाहिए, ठीक है, चांसेस हैं कि मिल भी जाए, चांसेस हैं कि ना भी मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि CVT फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, तो अब प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी, हम इससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट डाउट जो है ये काउंसलिंग को लेके आ रही है कि काउंसलिंग जो है ये कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर, आप कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बता दीजिए, वहीं पे काउंसलिंग कराएं जिससे फीस कम लगे। तो आप जानते होंगे कि इस बार जो है, आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो एक ऑन एवरेज कुछ फीस रखी गई है। ठीक है, ऑन एवरेज 500 के अप्रॉक्स ये फीस है। और अगर आप 10 यूनिवर्सिटी में भी अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, तो आपका 5000 के अप्रॉक्स जो है आपका काउंसलिंग में चला जाएगा। बहुत सारे डाउट ये आ रहे हैं कि आप कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि जिसमें प्लेसमेंट अच्छी हो और फीस कम हो, जिससे कम जगह काउंसलिंग कराएं और ये फीस बच जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका, देखिए, 95% 98% 99% है, तब तो कंफर्म है कि काउंसलिंग आपको कम जगह करानी पड़ेगी। ठीक है, अब आप इसमें से डिसाइड कर लीजिए कहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए। अगर आप गवर्नमेंटेड में जाना चाहते हैं, ठीक है, सपोज कि ये DAV इंडोर आपने फाइनल किया है और 99% है, ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो केवल आप अगर एक से दो अगर यूनिवर्सिटी में भी अगर आप काउंसलिंग करा लेंगे तो कन्फर्म है आपका। ठीक है, अब सपोज कि ये BHU एग्री बिजनेस चाहिए आपको और 99.5 है आपका,
ठीक है, BHU एग्री बिजनेस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 88 परसेंटाइल है, ठीक है, 80 से 90 के बीच में है, 80 से आप 95 के बीच में है, तब तो आपको ऑलमोस्ट ठीक है मैक्सिमम जगह कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, लास्ट ईयर से हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कहाँ पे कितनी कट ऑफ थी, तो आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट फिर से करना पड़ेगा। और क्योंकि देखिए BBAU में भी नंबर ऑफ सीट अधिक है, DAB में नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा है, 18 ट्रेड है, सीट ज्यादा अवेलेबल है, तो इसमें चांसेस हैं कि 85, 88, 89 है आपका, ठीक है, तो उसमें हो जाए। तो कम से कम 5 से 6 जगह काउंसलिंग आपको करानी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट डिटेल आपके पास अवेलेबल है, जिसकी अवेलेबल नहीं है उसको आप थोड़ा सा रिसर्च करिए और फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। और जहां तक बात रही काउंसलिंग का भी स्टार्ट होगी, तो 2 से 3 दिन के अंदर अब सारी यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जहां जहां पे भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वहां पे आपको ये अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट डाउट आपका ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमने उसमें कट ऑफ ज्यादा बता दी है, ऐसा क्यों? जैसे BHU हो गया, ठीक है, इसमें रिस्क इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अवेलेबल है, प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है। फिर IIT लखनऊ की बात की जाए, जो AKTU के थ्रू गवर्नमेंटेड कॉलेज है, ठीक है, इसमें मार्केटिंग वालों का प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन जो अदर ट्रेड है उसका हमें आइडिया नहीं है। तो उसके बाद भी हमने आपको बताया था कि BHU में अगर आपके 95 से कम परसेंटाइल हैं, तो बाई चांस पे भी कोई चांस नहीं है आपका, ऐसा क्यों? तो देखिए कुछ लोग MBA जो है ये केवल डिग्री के लिए करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे इसलिए 95 से ये कम नहीं रहेगा। कुछ को केवल डिग्री चाहिए, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट हो या ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऑफ द कैंपस वो ले लेंगे। कैसे? जैसे लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट थे, ठीक है, उनका प्लेसमेंट TCS में हो गया। कंडीशन क्या है कि डिग्री आपकी BTech की होनी चाहिए और BTech के बाद गैप ईयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुरंत आपने MBA किया हो, ठीक है, अभी वो जॉब में है TCS में, और पर मंथ ठीक है 44,000 जो है सैलरी मिल रही है सारे डिडक्शन के बाद, ठीक है, जो बोनस होता है ईयर एंड पे मिलता है। नेक्स्ट, केवल डिग्री हो आपके पास, ठीक है, रेफरेंस से जॉब मिल जाती है, ठीक है, आपके जानने वाला कोई काम कर रहा है, ठीक है, आपके CV को फॉरवर्ड कर दिया, उसके थ्रू मिल जाती है। जैसे आपने मुनिरबा से MBA किया हो, ठीक है, मुनिरबा से अगर आपने MBA किया है और अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, आप हमें बताइए, मिनिमम 7.5 लाख का पैकेज हम आपको दिला देंगे। तो कैंपस प्लेसमेंट अगर नहीं भी हो रहा है, ठीक है, तो ऑफ द कैंपस के भी तरीके हैं, इस वजह से भी वहाँ सीटें फुल हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोग जो है नेट JRF देना है उनको, ठीक है, तो इसलिए भी मैनेजमेंट की डिग्री ले लेते हैं। नेक्स्ट, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, साइड में उनका MBA भी चल रहा है, इनकेस यहाँ नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे, ठीक है, तो जिनका मेन फोकस गवर्नमेंट जॉब पे होता है, ठीक है, वो साइड बाई साइड MBA करते रहते हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल वैकेंसी आती है, ठीक है, अगर आपके पास केवल डिग्री है और उसकी आपने पहले से भी प्रिपरेशन करी है, ठीक है, तो उसमें आपको एडवांटेज मिलता है। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे बहुत सारे PSU हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें स्पेशल वैकेंसी निकलती है MBA की, इससे जो है कंपटीशन कम हो जाता है। अब आपको कुछ दिखाते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए मैनेजर पोस्ट है HR के लिए, अगर आपने MBA जो है ह्यूमन रिसोर्स से किया हुआ है तो ये स्पेशल वैकेंसी है, MBA की डिग्री इसमें मस्ट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका पे स्केल देखा जाए तो आप ये पे स्केल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये HR का था, फाइनेंस का भी दिखाते हैं। अब आप ये देखिए फाइनेंस का चीफ मैनेजर का पोस्ट है, और आपका अगर MBA जो है फाइनेंस से है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप पे स्केल देखिए, ठीक है, जितना आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा उससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। तो केवल प्राइवेट सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके डाउट थे सारे कवर हो गए। आपने कहा था कि टॉप यूनिवर्सिटी आपको बताई जाए, तो जितने भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे जिसमें प्लेसमेंट अच्छी थी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनका रिव्यू अच्छा है लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। जैसे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, उसका रिव्यू अच्छा है, प्लेसमेंट सारी डिटेल रिव्यू अच्छी है उसकी, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कोई भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया है। तो आप अपने एंड से इसको वेरीफाई कर लीजिए। और जिनका भी 80 परसेंटाइल से कम है और प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ आप जाइए, और इसमें एडमिशन स्टार्ट है, इसमें विदाउट CVT स्कोर भी एडमिशन हो रहे हैं। तो अगर आपके 20, 30 कुछ भी परसेंटाइल है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है इसमें, ठीक है।
और अगर कॉलेज रिव्यू की बात की जाए तो देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका रिव्यू अवेलेबल है, ठीक है, क्या प्लेसमेंट एंड पैकेज रिकॉर्ड है, ये सब कुछ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि जो 80 से 90 के बीच में आप जो है मैक्सिमम जगह काउंसलिंग कराइए, ठीक है, क्योंकि आप एक तरीके से बॉर्डर पे हैं, तो DAV एंड BBAU में ही आपके ऑप्शन है, तो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम जगह काउंसलिंग कराइए। और एक इन्फॉर्मेशन और ST कैटेगरी के लिए स्पेशली, आपके अगर 40, 50, 60% भी है, ठीक है, तो आप भी मैक्सिमम जगह काउंसलिंग कराइए, क्योंकि मैक्सिमम सीटें खाली रह जाती हैं, तो इन केस अगर आपके 40, 50 भी % हैं तो चांसेस हैं, ठीक है, स्पेशली ST कैटेगरी एंड SC कैटेगरी के भी हैं आप, तो 50, 60 है, तो आप भी मैक्सिमम जगह अप्लाई करिए क्योंकि आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे डाउट आपके हमने कवर कर दिए, और अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप मेंशन कर दीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और एक आपने झारखंड यूनिवर्सिटी का रिव्यू देने के लिए कहा था, ठीक है, इसका वीडियो जो है आज ही अपडेट करते हैं, और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं।